लोकसभा ना विधानसभा निकाला क्या मांगे क्या मुद्दे है ये आदिवासी समाज जो है आज हमारे जो प्रमुख आगे हैं दूसरा जो है हमारे जो छात्रवृत्ति में जो है 2,50,000 का जो सीमा समाप्त खत्म किया जाए फर्जी जाति प्रमाण पत्र में नौकरी भूमि अधिग्रहण में आदिवासी रांची अनुसूचित क्षेत्रों में जहाँ चतुर्थ वर्ग की जो भर्तियां हैं वो सीधी भर्ती जो है उसी संपर्क है जिला ब्लॉक से किया जाए और मात्र जो 18 जाति जो है आदिवासी समाज के जो मात्र के कारण उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रही है उनको उनकी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए आत्मनगर जो अंग्रेजी विद्यालय जो खुला है वहाँ पर आरक्षण लागू है इस प्रकार से हम नक्सली समस्या का स्थायी समाधान हो हमारे लिए तो भू माफिया जो खरीदी जमीन जो खरीद करके बिचौलियों के द्वारा आदिवासियों को भोले भाले कार्रवाई हो आदिवासी संस्कृति पर जो छेड़खानी है वो आदि अर्थावत बना रहे छेड़खानी ना हो ये हमारी जो है जो मुद्दे हैं सिलेगर मामले में जो निर्दोष लोगों पर गोली चलाई गई उन पर कार्रवाई हो निष्पक्ष उसकी सीबीआई जांच हो ये हमारी समाज की मुद्दाएं हैं और हम इन मुद्दाओं से उनको शासन तक के अपनी बात को पहुंचाने के लिए आवेदन निवेदन कई बार हो चला कोई सुनवाई नहीं हो रही है शासन ने इस समय कांग्रेस शासन आई अपने घोषणा पत्र के 5वें अनुसूचित परिवहन को करने की वादा की गई थी आज तक के लागू नहीं की गई होने का कार्रवाई नहीं की गई तो ये सारी मुद्दाएँ हैं इन पर कार्रवाई हो नए मांग किए हैं बस्तर अलग राज्य की मांग कर लगातार आदिवासी क्यों अलग राज्य की मांग कर रहे हैं क्या लगता है कि अलग राज्य बनने से बस्तर के आदिवासी को कितना विकास हुआ क्या उनकी समस्याएं जी हो जाएंगी अब इस मुद्दे पे कहूँगा बस्तर विकास के नाम से कितने पैसा खर्च किए गए चाहे केंद्र शासन हो या राज्य शासन हो अब आज बस्तर को आप भली भांति जान रहे हैं आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं रोड से 10 किलोमीटर नीचे जाओ तो आज भी बस्तर वहीं के वहीं और जो विकास के नाम से जो आया तो हर एक परिवार को कुछ नहीं तो 50-50 लाख मिलता लेकिन आज बस्तर का विकास न शिक्षा के क्षेत्र में न स्वास्थ्य के क्षेत्र में न आवागमन के क्षेत्र में आप तो मीडिया वाले हर जगह जाके देखते हैं और आप इस मुद्दों को समय समय पर उठाते रहे हैं और आप फिर उसी बात को आप पूछ रहे हैं इससे तो आप भली भांति परिचित हैं अच्छा लगातार आदिवासी समाज आंदोलन कर रहे हैं सरकार से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं सरकार ने अब तक क्या पहल की बातचीत को लेकर के पहल नहीं करने का तो परिणाम है आज हमको रोड में आने पड़ा धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है यदि पहल होती तो हम काहे के लिए अपने खेती किसानी और अपने रोजगार को छोड़ करके रोड में आते हमारी जो समस्या है निदान आज हमारे बच्चों की भविष्य अंधकार में है हमारी स्थिति दयनीय है आज के तारीख में भी देख लीजिए ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है आज भी खाद बीज भी नहीं मिल रहा है एक तो वर्षा नहीं हो रही है क्या कर रही है सरकार यही सब चीज़ समस्या है इसी समस्या के लिए बस्तर राज्य की मांग कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि विकास की जो है तो आज हर एक घर के हर एक गांव में पक्का स्कूल होता 5-5 कक्षा का स्कूल होता शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा होती लेकिन आज तक नहीं हुआ तो उसका कारण क्या है समाज जब भी आदिवासियों पर अत्याचार है आदिवासी समाज आगे आए हैं आज की बात नहीं है जिस समय ब्रिटिश शासन तब भी है ये आदि गुंडाधौर चौक के नाम से जानते हैं आदिवासी समाज के लोगों ने आंदोलन किया है और लोगों को जागृत किया है कि वो स्वतंत्र सेनानी के रूप में भी लड़ाई की और जहाँ पर खिलाफ हुई वहाँ आवाज बुलंद की एक तीर एक कमान आज आदिवासी समाज आदिवासियों की तो बहुत सारी मांग है
हमारी मांग ये है कि हम तो पूर्वज से क्या है कि यहाँ पर हमको पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए शासन से, केंद्र शासन से, जो संविधान में उल्लेख है जिसका उसका अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है, और इवन हमारे जमीन जायदाद सारी चीज को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत सरकार को भी हमारी जमीन को छीनने का हक नहीं है, मांग करने का हक नहीं है। अगर हम आदिवासी स्वतंत्र रूप से सौंपना भी चाहे तो भी सरकार उसको नहीं ले सकती, क्योंकि ये संविधान में हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हमको शासन है प्रशासन तक और अन्य सभी तक इस मैसेज को, इस संदेश को हम आज हमको ज्ञान हुआ, इस चीज का संविधान का ज्ञान हुआ तो हमको लड़ना पड़ रहा है। लेकिन सरकार को इस चीज को सोचना चाहिए, हमें लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम रोड में क्यों आ रहे हैं, हम शासन के पास क्यों जा रहे हैं, शासन को हमारे पास आना चाहिए, हमारी सुख सुविधा को पूछना चाहिए। आज कोई भी एक बाहर का आदमी आता है तो उसको यहाँ पर ठेला लगाने के लिए उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक आदमी लगाते हैं साथ साथ चार आदमी के लिए नाम से पट्टा बना दिया जाता है तुरंत। हमारे आदिवासी भाई लोग या यहाँ के लोकल मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हरिजन पिछड़ा वर्ग है, इन लोगों को अगर छोटा सा ठेला भी लगाए या चौपाटी भी लगाए उनको तुरंत खदेड़ दिया जाता है प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा और नगर पालिका के द्वारा तुरंत। इस तरह से हमको मजबूरी में हमारी मांग को शासन को दिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि हमारा अधिकार क्या है, इस चीज को हम शासन तक पहुंचाना चाहते हैं और जोश के साथ पहुंचाएंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम डटे रहेंगे इसी तरह से, और शासन प्रशासन इवन केंद्र सरकार तक को हम अवगत कराएंगे। जी तो कोरिया पहाड़ है, इसको अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री के सलाहकार की देखिए, हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है, हम पेन पुरखा नदी नाला तालाब पर्वत इसकी पुजारी हैं, इसकी पूजा करते हैं हमारे आदिवासी समुदाय, हमारे समाज, हम इसलिए हमारे जब हमारी संस्कृति के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रहार होता है तो जैसे हम लोग देवगुड़ी की पूजा कर रहे थे वहाँ पर राजेश तिवारी द्वारा मंदिर बना दिया गया है, जबकि हम मंदिर के पुजारी नहीं होते, हम सिर्फ देवगुड़ी की पुजारी करते हैं, और देवगुड़ी में हमारे एक प्राकृतिक पुरखा होता है, उसका कोई मंदिर नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं होता। तो इस तरह से उनके द्वारा हमारे ऊपर एक आर्य संस्कृति को, एक ब्राह्मणवादी संस्कृति को सौंपा जा रहा है, हम उसका क्यों पालन करेंगे, इसलिए उसका विरोध किया गया है। और गढ़िया पहाड़ है वो गढ़पिछवाड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है, तो नगर पालिका कौन होता है वहाँ घुसने वाला, नगर पंचायत अपने सीमा में कराए ना, अपने खुद की तो नाली सफाई नहीं होती, एक सड़क में गड्ढे पड़े हैं जगह जगह, उसकी ढंग से साफ सफाई नहीं कर पा रहा है, और गढ़िया पहाड़ को हथियाने चला, जबकि वो कायदे से प्राकृतिक धरोहर है, और प्राकृतिक धरोहर में किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का नगर पालिका कोई अधिकार नहीं है।